जवान पे ब्रेक लग गई। क्यों? घोड़ा को लौटा और बड़ी रानी के दरवाजे पे पहुंच गए। केवाड़ खटखटाई, सुनीति केवाड़ खोलो, सुनीति केवाड़ खोलो। अरे क्या तुम भी सो गई? केवाड़ खोलो। धीमे धीमे कह रही कि ऊपर वाली नानी न जग जाए, लेकिन रानी ने तो पहली आवाज में सुन ली, कान लगी पिया आज मैं किवाड़ों को नहीं खोलूंगी। आज मुझे मालूम पड़ रहा है तुम सौतन के कहने पर मुझे मारने के लिए आया। महाराज कहने लगे ठरगड़ी किवाड़ खोल दे। सोई समझ गई कि मेरे पिया सौतन से छिपके आया, सौतन से छिपके आया के बाहर खोले और अपने पिया के चरणों की रज अपने माथे से लगाई और टकटकी लगा के देखने लगी। कहने लगी साजन, जब तुम मेरे साथ में रहते थे तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह से दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सन की तरह सफेद हो गए, क्या बात है? महाराज कहने लगे गोरी क्या बताऊं, दिल के कुछ उद्गार होने में रोक नहीं पाता और बिना कहे अब तेरे दूल्हा पर रहा नहीं जाता। हीरानी मैंने तुम्हें कितना समझाया, पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया। हमने कहा था कि शादी मत करवा। आज छह महीना के बाद मैं तुम्हारी सूरत को देख रहा हूं। रानी सुनीति कहने लगी स्वामी तुम हमसे दूर नहीं हो, हमसे दूर नहीं हो। पतिव्रता कौन होती? पति कहीं रहे, पति कहीं रहे। कितना मीठा जवाब दिया। पिया मन भाए है सुहागिन बहिए और दिल से उतर जाते अभागिन बहिए। भाई सुहागिन बही है और दिल से उतर जावे अभागे। पिया मैंने सूरत ही तो नहीं देखी, तुमने मेरी सूरत ही तो नहीं देखी, लेकिन तुम हमसे दूर नहीं। अगर दूर होते तो रात्रि के 12 बजे तुम्हें यहां पर नहीं आते, नहीं आते। रात के हारे थके होगे, तुम्हें भूख भी लगी होगी, लेकिन जब गरीबी के पास कुछ है ही नहीं, जौ की रोटी एक है वो भी सब्जी नहीं है। महाराज कहने लगे चल पागल, एक रात हम तुम बैठे काट लेंगे। उंगलियां पकड़ के ले बाहर गई,
टूटे भाई खटोला पे बैठा लिया, जौ की रोटी उसी पे नमक रख लाई, महाराज को प्रेम सुख भाई। भक्तों जो 56 प्रकार के व्यंजन सुरुचि बनाती थी, उन भोजनों में स्वाद नहीं था जो जौ की रोटी में महाराज को स्वाद लगा। घड़ा को ठंडो नीर पियो भाई, टूटे हुए खटोला पे लेटा लिया, पैर गवाने लगी, दोनों में इतना प्रेम प्रभाव बढ़ा, ये ही नहीं मालूम पड़ा कि कब सवेरा हो गया। तब तक घड़ियाले घंटा में 4 बढ़ा दिए। रानी घड़ियाली पे झुंझलाने लगी, कहने लगी उरी घड़ियाली यही रात काटा नहीं करती थी, आज कितनी जल्दी सवेरा हो गया। उरी घड़ियाली मुझे ऐसी गर्मी की रात और बड़ी हो रहा, प्रेम मदमाती पिया शेड पे सुलात नार बार बार प्रीतम को कंठ सो लगा तो है, जकी सूरत ये छटासी छाई ती घटासी नार सदियन की प्यासी मन प्यास तू बुझा तो है। एक बजे की दो बजे तीन जब बजन लागे, 4 बजे रानी घर आने पर झुझला तो है, ओरे बदमारे उपदेश ने मौन धार मोगरी न मारे मोगरी बिनी कितनी जल्दी सवेरा हो गया। महाराज कहने लगे हे रानी अब मुझे चलने दो, अगर तुम्हारी छोटी बहन ने जान ली तो नकली 56 मूड बधर के नाचे। भगवान की लीला उसी रात बड़ी रानी सुनीति गर्भवती होती है, अपने पिया को दरवाजे तक पैदा करने के लिए आई और हाथ जोड़ के कहने लगी स्वामी जा गरीबी नहीं करे फिर कबो डोल जाइए छिड़ ली। और जब पति को मुझे सूरत तक देखने के लिए नहीं मिल रही है बाबा, मैं कैसे पुत्रवती हो जाऊंगी, असंभव है असंभव है। तुम्हें शंका है महात्माओं की बात पूर्ण रूप से एक बार सुन इसलिए बेटे
अजंता की मारी महाराज को बहुत दूर ले गया। अब तो सारे जवान घबरा गए, कहने लगे भैया जल्दी से छोटी रानी को खबर दो कि महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए। मैंने बहुत कुछ पता लगाया लेकिन महाराज का कुछ सुराग नहीं चला। सारी जवान भागते हुए आई और छोटी रानी के दरवाजे पे किवाड़ खटखटाने लगी। ओ महारानी सेवा किवाड़ खोलो, ओ महारानी सेवा किवाड़ खोलो, महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए। मैंने बहुत कुछ पता लगाया लेकिन महाराज का कुछ सुराग नहीं चला। सुरची ने किवाड़ खोले और कहने लगी जवानों तुम घबरा गए, मेरे पिया बहुत बलशाली है, मेरे पिया का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तुम जाकर के विश्राम करो। मेरे भैया इधर तो सारे जवान विश्राम करने लगे और इधर रात्रि के 12 बजे महाराज लौट करके आए और छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे। उसके बाद खटखटाई, सुरची के बाहर खोलो, सुरची के बाहर खोलो। अरे क्या तू भी सो गई? अब कोई हो तब तो के बाहर खोले। सब सो गई जैसे तीस